हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा जी जी टिप्स ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और मैं अभी किचन में हूँ, शाम का टाइम है और कुछ नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी में हूँ, जिसमें मैं आज बना रही हूँ। आप लोग को ये पैकेट सब दिख रहा होगा, वो है मैदा का, जो कि मैं आज समोसा बना, बहुत दिनों के बाद मैं सोची हूँ आज समोसा बनाने के लिए, और मेरा कुछ सामान मिल नहीं रहा, वही मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रखी हूँ। मैदा चालने वाला छन्नी मुझे नहीं मिल रहा, मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रखी हूँ। तो देखिए मैं क्या उपाय लगाई हूँ, इसमें चाय छन्नी से लेके मैं उसको छान के ये कर रही हूँ, और इसको मैं छानती हूँ। तब तक मैं एक न्यूज आपको बताती हूँ, मेरे आवाज़ से ही आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं। अभी जो न्यूज़ चल रहा है सिक्किम का, जो ये बादल फट गया था, उसमें कई जवान कई लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, कितनों की जान चली गई, उसमें मेरे भी एक करीबी रिलेटिव फंसे हुए हैं, जो सुनकर 2 दिन से एकदम अजीब मन हो गया है। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना बैठना कुछ में भी मन नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द लौट आए और सही सलामत मिल जाए। बहुत ज़्यादा ये है, और करीबी रिलेटिव है, सो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ऐसे तो सबके लिए प्रार्थना सब कोई करे कि सब कोई सही सलामत, पर कहा जाता है ना कि जो अपना पे बीते तभी समझ में आता है, वही वाला बात है। सो बहुत ज़्यादा, और 22-23 जवान का भी सुनी हूँ कि वो भी लोग फंसे हुए हैं, तो भगवान सबको निकाल दे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस वजह से। वो कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसीलिए मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी प्रे करें, उन सभी के लिए करें जो उसमें फंसे हुए हैं, जो हमारे देश के जवान फंसे हुए हैं, सब के लिए, कि सब कोई अपने अपने घर, अपने माँ के पास, अपने पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास सही सलामत लौट आए। कि मेरे आवाज़ से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मैं क्या बताऊँ, वही मैं किचन में समोसा का तैयारी कर रही हूँ, और मैं पिछले दो दिन से कोई ब्लॉगिंग नहीं की, मेरा मन ही नहीं लग रहा। ये पिछले का वीडियो, पीछे उससे पहले का वीडियो था, इसलिए मैं इसका सोची कि मैं वीडियो डाल दूँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूँ कि प्लीज़ आप लोग भी प्रार्थना करना कि सब कोई सही सलामत अपने अपने घर आ जाए। और मैं यहाँ पे आटा लगा के मैदा का ये रख देती हूँ डो बनाकर, जिससे ये अपना इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इधर मैं आलू बॉयल कर ली हूँ एक बैग। शाम को प्लान हुआ कि चलो आज समोसा बनाओ, तो वही मैं लगी हुई हूँ समोसा बनाने में। सो फाइनल मेरा आटा लग चुका है, और मैं इसको रख दे रही हूँ लगा के, और उसके बाद मैं देखी। सो ये मैं इसको सबको संभाल के सेट करके रख देती हूँ। और आई नो मेरा किचन थोड़ा गंदा है, फैला हुआ सा है, क्योंकि मेड अभी आई हुई है नहीं, और मैं थोड़ा थोड़ा साफ कर रही हूँ, और मेड आज आएंगी भी नहीं, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ उनका, पर अभी तक कोई अता पता नहीं, और लग रहा है कि वो आएंगी भी नहीं। बर्तन पूरा सिंक में जमा हो गया था, मैं ये सब करके, और मैं अंगूठी मेरा फंस गया था, वही मैं साफ़ करके निकाल के रख दे रही थी, और इस सबको क्लीन कर लेती हूँ। उधर मैं आलू करके सब प्याज वगैरह काट के इसको सब सही से कर देती हूँ, उसके बाद मैं सब बनाने में टाइम नहीं लगता है, पर उसका पूरा तैयारी करने में तो इतना। और देखिए मेरा यहाँ उंगली कट गया, एक और ये हो गया मेरे साथ, सो यहाँ उंगली कट गया मेरा बहुत तेज़, और मुझे थोड़ा सा भी तेज ना रहे तो चाकू से मुझे काम करने का मन करता नहीं, और वो तेज़ करने का मुझे ही ये हुआ कि मेरा उंगली ही कट गया। सो अभी फ़िलहाल मैं कोई दवा नहीं लगा सकती थी कि मुझे काम करना था, इस वजह से मैं उस पर नेल पॉलिश, जो नेल पेंट होता है, उसको लगा ली हूँ। उसके थिनर से बहुत आराम मिलता है, उसी को मैं जल्दीबाजी के लिए लगा ली हूँ, और मुझे दर्द भी कर रहा है, पर अभी पूरा तरह से सब चीज़ को फैला दी हूँ, तो उसको तो समेटना है, करना है, बाद में दर्द का देखा जाएगा। हम हाउसवाइफ का यही हाल होता है। अभी मेरे हाथ और अगर पैर में कट देखा जाए तो 7-8 कट से कम नहीं है,
कोई काम करते रहते हो ऐसे कुछ कट जाता है, पर फर्क भी नहीं पड़ता है, फिर काम है तो काम करना ही है, ऐसा चलते रहता है। सो यही सब। सो मैं प्याज कट कर ली हूँ बारीक सा, उसके बाद हरा मिर्च काट ली, और इधर मैं लहसुन रखती थी पानी में। अगर आपको लहसुन छीलना हो तो आप 10 मिनट 20 मिनट पहले आप उसको पानी में डाल दो, वो इजली छिला जाता है। मैं यही करती हूँ। यहाँ मैं आलू का स्टफिंग का तैयारी कर रही हूँ उसका पूरा, और धनिया पत्ती नहीं था तो मैं हस्बैंड को फ़ोन की कि अब धनिया पत्ती लेकर आना और मूंगफली, सो वही लेकर आए हैं। अब मैं उसको, और मैं इधर लहसुन छील रही हूँ, लहसुन कच्चा लहसुन और हरा मिर्च, नमक डाल के चटनी पीसो, ये समोसा के साथ इतना टेस्टी लगता है कि बाकी सब चटनी आप खाना भूल जाओगे समोसा के साथ। सो वही मैं तैयारी कर रही हूँ और देख सकते हैं। और इधर मैं देखिए आलू का स्टफिंग मेरा तैयार हो चुका। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले पाई हूँ। और इधर मैं चूल्हा साफ़ कर दी ताकि मेड आए तो उधर अपना काम करे। मैं रैक वगैरह भी साफ़ कर ली हूँ ताकि साफ़ सफाई से रहे तो काम करने में भी मन लगता है। और इधर कढ़ाई सब फूलने के लिए रख दी हूँ, और बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि ताकि वो आ जाए तो मेरा काम ईजिली हो जाए, पर आज आना नहीं है उनको क्योंकि मैं 2 दिन बाद ये वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे पता है। और 2 दिन से ऐसे भी मन बहुत ज़्यादा उदास है इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। सो देख सकते हैं। और ये मैं हरा मिर्च और ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तीखा तीखा सा अच्छा लगता है। और समोसा बहुत ज़्यादा बच भी गया था सो मैं कल होके मेड आई तो उनको मैं दे दी थी। सो इधर मैं चटनी का तैयारी कर ली, अब मैं ये बनाऊंगी समोसा का। आप लोग देख सकते हैं इधर कढ़ाई मेरा चढ़ चुका है, और मैं कैमरा दूसरे तरह से टिकाई हूँ कि मेरा फेस कट चुका है। मैं सिर्फ आपको इस तरह से दिखाने के लिए कैमरा इधर से सेट की हूँ। और मेरे चूल्हा के पास प्रॉपर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि मैं जल्दी ही ठीक करवा लूँगी। मैं वो जो मिस्त्री आए थे उनको मैं बोली थी तो बोली कि हाँ मैं लगाऊंगा उसको, जल्दी से ठीक कर देता हूँ, पर अभी तक किए नहीं है, फिर टोकना पड़ेगा। और ऊपर सब जो वायरिंग हुआ उन्हीं मिस्त्री को मैं बोली हुई थी कि आप किचन का भी कर दो, पर मैं जल्दी करूँ क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग वगैरह वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। मैं कुकिंग से भी रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहती हूँ, शॉर्ट भी वीडियो लाती हूँ। अगर देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियो को भी ढेर सारा प्यार और लाइक करें। और देख सकते हैं इस तरह से स्टफिंग होता है समोसा का। मैं 2 बार 4 बार बनाई हूँ सो मुझे अच्छे से आता है ये। अब फर्स्ट मैं बेटी के लिए बना रही हूँ बिना मिर्च वाला, उसके बाद मैं और बनाऊँगी। और देख सकते हैं ऐसे मोड़ के और इसको ऐसे करके फटाक फटाक बना दो, और समोसा का इसी तरह से भराता है। और जो ये में है सो होटल वगैरह में तो और प्रॉन्ट होते हैं बनाने में तो वो और अच्छा बनाते हैं, और मैं फाइनल आपको समोसा बना के दिखाऊंगी। सो आज का वीडियो इतना ही, और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक क्लिक करने में क्या जाता है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं फिर से बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी प्रेयर करना कि भगवान सबके घर में सबका बेटा सबका हस्बैंड सबका पिता सब लौट आए। प्लीज़ आप लोग भी दुआ करना।